किन करें, सामर्थ्य पहले देखिए उसके अनुसार कार्य करें। राजा बलि ने तो सब कुछ ही दे दिया, तो राजा बलि को तो मिलना ही था इतना बड़ा। तो राजा बलि मनमंत्र में जो बदले जाएंगे तो इंद्र बनेंगे, ये भगवान ने उनसे कहा। राजा बलि के चरित्र के बाद राजा सत्यव्रत की कथा आती है, वहां भगवान मत्स्य उतार लेते हैं। उसके बाद एक बहुत प्यारी कथा आती है, आपने सबने सुनी है, राजा अम्बरीश की कथा। अम्बरीशो महाभाग सप्त दीपो वतिम मही। श्रोतागण ध्यान से सुने, एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। एकादशी का व्रत मेरे भगवान को, नारायण को, श्री कृष्ण को विशेष प्रिय है। उस एकादशी के व्रत में हमें कुछ मांगना नहीं चाहिए भगवान से। एकादशी के व्रत में हमें भगवान से सिर्फ भगवान को ही मांगना चाहिए। जो जीव एकादशी का व्रत करते हैं, ऐसे ऐसे एकादशी के व्रत का महत्व है कि आप सोच नहीं सकते। जो मरकर पापी लोग नरक में जा चुके हैं, कोई उन पितरों के नाम से भी उस एकादशी के व्रत का फल उनको दे देता है तो नरक में रह रहे पितरों का भी कल्याण हो जाता। नरक में रह रहे पितरों का कल्याण हो जाता है। लेकिन हम लोगों ने व्रत की महत्व कम कर दिया है, और आजकल हमारे घरों में सिर्फ खाने की व्यवस्था तो चार टाइम की है, लेकिन एक दिन व्रत करके, मुझे याद आ रहा है जब लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तो मैंने तो सिर्फ सुना है, मुझे उस समय नहीं, उन्होंने अमेरिका के अहंकार को नष्ट करने के लिए देशवासियों से कहा था कि आप एक समय अन्न मत खाइए, हम आगे निकल जाएंगे। और पूरे देश ने उनकी बात को स्वीकार किया था, एक समय अन्न नहीं खाए, सोमवार को अन्न नहीं, या कुछ ऐसा कहा था उन्होंने। फिर नहीं हुआ, वो वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने कहा। दूसरा, चीन में और जापान में एक बात होती है, जो चीज महंगी होती है, चीन के या जापान के लोग जो है दो चार हफ्ते उस चीज को यूज नहीं करते, तो जो जमा करके बैठे रहते हैं ना, उनके हौसले पस्त हो जाते हैं, वो छोड़ देते हैं, फिर आ जाती है मार्केट में। अभी प्याज पहुंच गई 200 रुपए, और तुम्हें प्याज ही खानी है, क्यों खानी है भाई, मत खाओ, छोड़ दो। दो चार हफ्ते प्याज नहीं खाओगे तो बॉडी कोई फटने थोड़ी लगेगी, मत खाओ। पूरे देश को जब जो चीज महंगी हो रही हो उसे कम कर देना चाहिए, खाना ही नहीं चाहिए, उसका यूज कम कर देना चाहिए। और इतना बड़ा देश है, बर्बाद हो जाएंगे रखने वाले लोग अगर आप ऐसा करेंगे। दो हफ्ते भी आप रुक गए तो अपने देश को आगे कैसे बढ़ाना चाहिए, यह सिर्फ सरकार की नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। यह मेरा देश है। आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, कल आप भी बन सकते हैं। ये जिम्मेदारी आप सबकी भी है, मेरी भी है। अपने देश को एक एक बूंद करके हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये वो लोग करते हैं, हम भी कर सकते हैं। प्याज महंगी हो गई नहीं खाएंगे दो हफ्ते, आलू महंगे हो गए एक हफ्ते नहीं खाएंगे, और चीजें बहुत है जो सस्ती है वो खाएंगे, और घर का मेंटेनेंस भी बना रहेगा, एक्स्ट्रा खर्च करने के। टमाटर 80 हो गए, तू खा ले टमाटर दुकान वाले से, को तू ही खा, हम नहीं खाएंगे 80 वाला, जब ये 30 हो जाएगा तब खाएंगे हम तो। और तब तक क्या खाएंगे, बोले टमाटर खाएंगे नहीं, खाओ टमाटर तुम ही, बो तुम ही खाओ, अपने आप वो 30 पे आ जाएंगे एक हफ्ते में, दो हफ्ते में। और दो हफ्ते में जरा टेस्ट भी बदल जाएगा। खैर, मैं 81 की बात कर रहा था, कहां तुम इकोनॉमी बढ़ाने पहुंच गया। राधे राधे बोलना पड़ेगा। महीने में 2 दिन एकादशी होती है, और 2 दिन अगर तुम भूखे रहो, अन्न न जाए तुम्हारे अंदर, तो इससे तुम्हारा हेल्थ भी अच्छा रहेगा। इसलिए और एकादशी का व्रत भगवान को बहुत प्रिय है।